से पहले कि मैं सदन से प्लीज ऑर्डर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति जिनकी आज पुण्यतिथि है अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। जब मैं सदन में पहली बार आया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कई वर्ष मैंने उन्हें काम करते हुए देखा। मैं उधर बैठता था, अभी भी उधर की याद भूली नहीं है। लेकिन मैं काफी पीछे बैठता था क्योंकि संख्या बहुत कम थी। आज जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाती हुई, अपना प्रभाव बढ़ाती हुई, पहले प्रमुख विरोधी दल बनी और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद उभरी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, यह परिवर्तन इतिहास की बदलती हुई प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। चेक कर लेना। हाल में जो चुनाव हुए उनमें जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया। समय है कि उस जनादेश पर गहराई से विचार किया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, अन्य दलों की स्थिति है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जब लोकसभा का विसर्जन हुआ, कांग्रेस पार्टी के 260 सदस्य सदन में थे। आज उनकी संख्या घटकर 136 रह गई। ये जनादेश का परिणाम है। इस परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए। आत्ममंथन होना चाहिए। करीब करीब आधी संख्या रह गई। वाम मोर्चा 57 से 52 पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वोटों की दृष्टि से उनकी शक्ति घटी है। बिहार में भी घटी है। बिहार में जनता दल पहले 56 था इस सदन में और अभी 44 है, अभी 44 है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी समता समिति के साथ चुनाव लड़ी,
और लोकसभा के चुनाव में भारी सफलता मिली है। कांग्रेस की संख्या केवल यही कम नहीं हुई, अनेक विधानसभाओं में कांग्रेस ने जनविश्वास खो दिया। वह अन्य दलों की सरकारें बनी। ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये किस बात का संकेत है? ये भी बात ध्यान देने की है कि आज मेरी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिए जो दल एक हो रहे हैं, वो चुनाव में अलग अलग लड़े थे, एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए लड़े थे। चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं हुआ, आज भी गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। सरकार पहले बनेगी और उसका कार्यक्रम बाद में बनेगा। इस गठबंधन का आधार क्या है, इसकी भावात्मक भूमिका क्या है, इतने दिनों से विवाद चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे किसे क्यों बुलाया, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे क्यों बुलाया, कुछ लोगों की नींद हराम हो गई, कुछ लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जो नहीं होना चाहिए था। मगर चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी उसमें राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते थे? क्या वो कांग्रेस को बुलाते जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया? क्या वो एक भानुमती के कुनबे को बुलाते जो तब तक कुनबा बना? राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार व्यवहार किया, और इसके लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि इस मामले में सारा सदन साथ हो। विश्वास मत प्राप्त करने का समय दिया है, 31 तारीख तक। आज ये 27 तारीख है, हम अगर चाहते तो 31 तारीख तक रुक सकते थे, 30 को ये प्रस्ताव ला सकते थे, ये जो हमें निर्देश दिया गया उसके अनुसार होता, लेकिन हम 27 को विश्वास मत लेकर आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है और ये निकेन प्रकार बहुमत बनाना ये हमारा ढंग नहीं है। इस सदन की दीवारें टोका टोकी का मैं बुरा नहीं मानता, मगर रोका रोकी नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय,
मैं आज प्रस्ताव लेकर आया हूं। अभी 3 दिन बाकी है और पिछली लोकसभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकॉर्ड गवाह है कि किस तरह से राती रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी, तब ईमान का सौदा हो रहा था, तब पार्लियामेंट की खरीद, पार्लियामेंट के मेंबरों की खरीद फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला। वो रास्ता हमारे लिए भी खुला था, मगर हमने उस पर जाने से इनकार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है, अपने मूल में नैतिक व्यवस्था। पुरानी सरकार के सामने रास्ता खुला था कि वो ईमानदारी से गठबंधन करते, विरोधी दलों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से बना हुआ गठबंधन, ईमानदारी से जो कुछ हो खुले में हो, जो कुछ हो सबके सामने हो, पारदर्शी प्रामाणिकता। दल अगर साथ आते हैं तो कार्यक्रम के आधार पर आए, हिस्सा बांट के आधार पर नहीं। बैंकों में लाखों रुपए जमा किया जाए इसको लेकर नहीं। अगर देश सचमुच में एक मिलीजुली सरकार के दौर में पहुंच गया है तो लोगों का पुराना अनुभव 77 का और 89 का फिर से न दोहराया जाए। क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है, ये संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है? कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है कि वो समर्थन देती है और फिर वापस लेती है। ये ट्रावन कोर से चलने वाला सिलसिला है। अब अगर कांग्रेस के चिंतन में परिवर्तन होता है, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तक इतिहास कुछ कहा नहीं कहता है। जो मिलीजुली सरकारें बनती हैं, वो भी ऐसे मुद्दों पर टूट जाती हैं, जिन मुद्दों का राष्ट्र जीवन के साथ कोई गहरा संबंध नहीं। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। ये अलग अलग दलों के साथ आने पर लागू होने वाली बात नहीं है, ये दल के भीतर भी लागू होने वाली बात है। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है, पता नहीं हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की घड़ी आती है तब तो ये देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक दूसरे को गिराने के, एक दूसरे का महत्व कम करने के अनावश्यक अप्रासंगिक मामले खड़े करने में लग जाते हैं। मैं इसका अपवाद नहीं हूं, मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं। ये काम कोई एक पार्टी नहीं कर सकती, हमने करने की कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हुए। ये तो सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कल के बाद
कौन सा राजनीतिक नक्शा बनेगा। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, वो सरकार मर्यादा में रहना चाहिए, वो सरकार जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए, उस सरकार का हर आचरण हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए।